हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार पांचवी बार नंबर वन आया है। निश्चित रूप से यह पूरे शहर के लिए गौरव की बात है। इंदौर नगर निगम ने शहर में पशुपालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। यहां तक कि शहर में गौग्रास खिलाने के लिए गाय तक दिखाई नहीं देती, किंतु अत्यंत शर्म की बात है कि शहर भर में बड़ी संख्या में सुअर दिखाई दे रहे हैं। सुअर माफियाओं से सांठगांठ के चलते नगर निगम शहरी सीमा से गायों को तो पकड़कर ले जा रहा है, किंतु ना जाने क्यों सुअर पालकों को खुली छूट दे रखी है। यही कारण है कि सुअर पालक सुअर पालन की शिकायत करने वाले लोगों के खिलाफ रंजिश रखते हुए उन पर जानलेवा हमले तक कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में शनिवार को सुअर पालकों के हमले में गंभीर रूप से घायल सुमित पिता किशोर त्रिपाठी निवासी नैनोद मल्टी गांधीनगर एवं धर्मेंद्र पिता पप्पूलाल डबोरिया निवासी इंदिरा नगर झुग्गी झोपड़ी इंदौर को लेकर एरोड्रम थाना प्रभारी संजय शुक्ला के समक्ष राष्ट्रीय सफाई कामगार कांग्रेस इंटक के अध्यक्ष संजय डागरे एवं कांग्रेस नेत्री रीता डागरे भी पीड़ितों एवं उनके परिजनों को लेकर पहुंचे तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ितों एवं उनके परिजनों ने बताया कि आरोपी जितेंद्र उर्फ भूरा, विजय तेजी, कन्हैया तेजी एवं मोनू चेडवाल ने हाल ही में 15 नवंबर को एरोड्रम थाना क्षेत्र के अशोक नगर बगीचे के पास जानलेवा हमला किया। वर्ष 2016 से ही आरोपी सुअर पालन की शिकायत के विरोध में हम फरियादियों द्वारा की गई रिपोर्ट को लेकर जबरन राजीनामा करने की धमकी देते हुए अब तक लगभग 3 बार जानलेवा हमला कर चुके हैं। राष्ट्रीय सफाई कामगार कांग्रेस इंटक के अध्यक्ष संजय डागरे ने बताया कि शनिवार को एरोड्रम थाना प्रभारी श्री संजय शुक्ला ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और नगर निगम को भी सुअर पालन करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। डागरे ने कहा कि इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14, 15 और 16 में सुअर पालकों का आतंक है और इन्हीं वार्डों में रहवासी एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में भी सुअर सरेआम घूमते देखे जा सकते हैं। सुअर माफिया इन सुअरों को अच्छी खासी कीमतों में मध्य प्रदेश के बाहर बेचते हैं। सुअर माफियाओं के हमले में घायल सुमित त्रिपाठी की माता वीणा त्रिपाठी ने कहा कि अवैध सुअर पालन की शिकायत करने पर मेरे बेटे पर लगातार 3 बार जानलेवा हमला किया गया है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, अन्यथा यह तत्व कभी भी कोई गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं। थाने पर आए, क्या पूरा मामला, किस मामले को लेकर यहाँ पर आए? 2016 में सुमित त्रिपाठी इनके ऊपर हमला करा गया था और उसी के संदर्भ में इन लोगों ने बार बार उन पर दबाव बना रहे थे राजीनामे के लिए, और जब ये लोग माने नहीं उनकी बात और उनके दबाव में प्रेशर में नहीं आए तो 15 तारीख को सुबह 6:30 पर बांगड़दा रोड पर इन दो सुमित त्रिपाठी और उसके मित्र धर्मेंद्र डाबोड़िया पर तेजी परिवार के कुछ लोग हैं हजूरगंज के, उन लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया जिसमें एक का पांव फ्रैक्चर हो गया है, दूसरे का हाथ टूटा हुआ है। अभी आप लोग यहाँ थाने आए, क्या टीआई साहब ने किस तरह टीआई साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई उनके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई कर सकेंगे सभी करेंगे, क्योंकि वो आपराधिक परिवार है। उन्होंने इंदौर सुरक्षा में 5वां नंबर लाया। आज एक बात और आपने सामने रखी कि इंदौर में गाय पालने पर प्रतिबंध है और सुअर धड़ल्ले से पालने जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इंदौर में 5वीं बार पंख लगाया है और इंदौर पूरी उड़ान पे है। उसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने पशुपालकों पर रोक लगा रखी, सभी प्रकार के गाय हो या अन्य पशु हो, मगर हम गाय नहीं पाल सकते। गौ माता की जिसकी हम पूजा करते हैं शहर के अंदर, उसको नहीं पाल सकते। सुअर पालकों को खुली छूट है। सुअर पालकों का 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर वार्ड में काफ़ी आतंक है। जनता और यहाँ पर आम जनता भयभीत है। 14, 15, 16 नंबर वार्ड में सुअर बच्चों को काट खाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, घरों में घुस आते हैं, और जब जनता ये आवाज़ उठाती है तो जो सुअर पालक है वो लोग उन पे हमले करते हैं, डराते, धमकाते और खुलेआम उनकी गुंडागर्दी जोरों पर है। तो उनके गिरफ्तारी चाहिए, उनको किसी हालत में मुझे थाने में चाहिए। हर बार मेरे बेटे पे हमला करते हैं, हर बार मेरे बेटे के पाँव फाड़े उनने, और हर बार शेर भरते हैं और हर बार थाने में पैसा भरते हैं। छुप जा, छोड़ जा। उनका नाम है जीतू भूरा और मोनू।
हर बार और धोखे से मेरे बेटे के ऊपर हम कितनी बार हमला करा हो? तीन बार कर चुके हैं, ये तीन बार है। हमारे पास सब सबूत है, फाइलें हैं, डॉक्टर के हमारे पास है। आज हम आपसे यही विनती है, हमको उनकी गिरफ्तारी चाहिए। थाना क्षेत्र में सुअर पालक बढ़ते जा रहे हैं और उनका आतंक भी बढ़ता जा रहा है, सर थाना किस तरह से कार्रवाई करेगा? इसमें नगर निगम को एक पत्र तैयार करके इस संबंध में कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। सर सुअर पालक आतंक मचाते हुए दादागिरी भी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसको जिनके खिलाफ रिपोर्ट आई है उसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और इनकी गिरफ्तारी करके इनको जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए।